नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेशी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे जानकी नगर। जेल से छूटे अपराधी लगाएंगे प्रत्येक रविवार को थाने में हाजिरी। तीन रविवार हाजिरी नहीं देने पर होगी पुलिस की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। जेल से छूटे अपराधी अब प्रत्येक रविवार को जानकी नगर थाना में हाजिरी लगाएंगे। अगर तीन रविवार तक कोई भी अपराधी बिना सूचना हाजिरी नहीं हुआ और गायब रहा तो वैसे अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वैसे अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकी नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि इसमें कोई भी कोताही नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि रविवार को जानकी नगर थाना परिसर में जेल से छूटे अपराधियों की हाजिरी लिया गया है तथा जेल से छूटे सभी अपराधियों को अपराध की घटना नहीं करने की शपथ भी दिलाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक पूर्णिया कार्तिकेय शर्मा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनवन की हुलास कुमार के निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार को जेल से छूटे अपराधी को हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है तथा जो अपराधी बाहर है उसे मोबाइल वीडियो के जरिए हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जेल से छूटे अपराधियों पर विशेष निगरानी रखा जा रहा है। पुलिस के मुखबिर भी निगरानी रख रहा है तथा पड़ोसी जिले से आने वाले अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वैसे अपराधियों को उनके मान से निकालकर सलाखों के पीछे जेल भेजा जाएगा तथा जानकी नगर चोपड़ा बाजार में हुई एक लूट और एक हत्या के मामले में जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। दोनों ही घटना संलिप्त अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए लगातार विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। शपथ दिलाने के समय मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक राजा राम पासवान, सौ अनि नीरज कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पंचम कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अर्चना कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष चंद्र, पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन, पुलिस अवर निरीक्षक लक्खी राम, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक राय, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक मंडल, सौ अनि उपेंद्र पासवान, सौ अनि सत्येंद्र सिन्हा, सौ अनि दीपक साहू, PTC चंद्रमोहन सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। आइए सीधे देखते हैं कि किस तरीके से शपथ दिलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना, एकदम ही शपथ ले लो कि हम लोग जेल से आने के बाद वर्तमान में ना कोई गलत काम करते हैं और भविष्य में नहीं करेंगे। और अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गलत काम अगर कोई करता है तो उसकी सूचना इकट्ठा करके शेयर कर देंगे, सभी का नाम गोपनीय रहेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो पूर्व के अपराधी को क्यों पकड़ा जाता है, उस मिथक को समाप्त कर देना है। कोई भी हो जो गलत करता है सूचना दो, हम उसको जेल भेज देंगे। हम नहीं चाहते हैं जो रोटेट कर रहा है वो आए। कम से कम जिसके पास सब कुछ सक्षम हो, तुम लोग सब लोग हुनर है, जमीन है, अपना काम करो, दुकान है, तुम्हारे पास क्या है, ड्राइवरी है, फर्स्ट क्लास के गाड़ी चलाता है, तुमको जमींदार है, जमीन दुकान है तुमको, तुम भी अपना मामा के काम में हाथ बटाओ, तुम्हारे पास संपत्ति की कमी नहीं है, ट्रैक्टर है, वो सब चलाओ ना यार, अपना तुमको दुकान है, काहे गलत काम करेंगे। गलत काम करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, हम तो पकड़िए लेंगे। एकदम नहीं करना है, सब आदमी एकदम कसम खाओ कि आज दिन से, एकदम हाथ आगे बढ़ाओ कि आज दिन से हम लोग किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो करने वाले को भी पुलिस के सहयोग करेंगे और जो गलत करेगा उसको पकड़ाएंगे, ठीक है।